फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एग्जाम बीते दिनों हुआ है और उसमें इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है कि दो बातें मन में आती हैं। पहला, भारत के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है या फिर 2023 में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स का उत्साह कुछ ज्यादा ही युवाओं में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर करीब 25 लाख स्टूडेंट ने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दिया है और साथ ही साथ अब सभी स्टूडेंट्स को इंतजार है इसके रिजल्ट का। दोस्तों, बात करेंगे रिजल्ट कब आने वाला है, क्या है डेट्स और पिछले कुछ सालों में कितने दिन में आया था रिजल्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2021 में टोटल जो एप्लीकेशन थी वो करीब 24 लाख थी और करीब 17 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का एग्जाम दिया था। इसी के साथ साथ दोस्तों, 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 25 लाख हो गई है। 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और करीब 37 लाख लोगों की एप्लीकेशन आई थी। तो दोस्तों, यहां पर इतनी ज्यादा संख्या बढ़ने की वजह मैंने अभी बताई थी, दो वजह हो सकती हैं। दोस्तों, यहां पर रिजल्ट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो एग्जाम होने के करीब दो महीने बाद इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस बार दोस्तों, दो ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपका रिजल्ट लेट होने की संभावना है। पहला दोस्तों, की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस तरह के केसेस में उसका सोल्यूशन काफी अच्छे से करती है। अगर मान लीजिए जो कॉपियां ज्यादा हैं, 25 लाख हैं, तो उसके साथ साथ जो चेकर्स होंगे उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और काम काफी स्पीड से किया जाएगा, क्योंकि 2023 में काफी सारी वैकेंसियां आने की संभावना है और वो वैकेंसियां इसी के रिजल्ट से फॉर्म भरे जाएंगे और इसी के स्कोर कार्ड के थ्रू उनके फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो यहां पर पहली संभावना ये कि इनकी संख्या ज्यादा है। दूसरा, नवंबर के महीने में भारत के कुछ हिस्सों में होने वाले इलेक्शन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की कॉपियां चेकिंग के काम को थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर अगर माना जाए तो करीब तीन महीने लग जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 का रिजल्ट आने में। तो दोस्तों, यहां पर जनवरी का पूरा महीना शुरू से लेकर लास्ट तक और बीच में कभी भी आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 का। और अगर बात करेंगे इसके स्कोर की कि स्कोर कितना होना चाहिए, दोस्तों अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग स्कोर होना आवश्यक है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हाई स्कोर पर अप्लाई होती हैं और कुछ कम स्कोर पर अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन यहां पर एक एवरेज कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 65 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए और ओबीसी के लिए 55 से 60 के बीच में स्कोर कार्ड में आपका स्कोर होना चाहिए और एससी एसटी के लिए जो कोटा मिलता है उसको लगाकर 48 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर इसके जो गवर्नमेंट पोर्टल है वहां पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत जरूर कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।